मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ये हम लोगों भाग्यशाली है कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। हमारा पिछड़ता जा रहा है, लेकिन हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन केवल एक आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए हम RTI से पता करवाए, केवल 6-7 साल में 4,777 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च किया गया। जो ईमानदारी से नहीं निभाते उस पर तो निगरानी नजर रखती है, कार्रवाई तो हुई ना थी, कोई बस्ता थोड़ी ना, कोई अगर गलत काम करेगा तो वो बस्ता नहीं है। भले ही देर हो जाए लेकिन कार्रवाई जरूर होती है, पनिशमेंट उसको जरूर मिलता है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार के कुल 6 मंत्री जो है वो कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जितना अनुभव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है देश में किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं है, और साथ ही तारीफ नीतीश कुमार की और खिंचाई PM नरेंद्र मोदी की भी तेजस्वी यादव ने खूब की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश हमारा पिछड़ रहा है, लेकिन एक आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए बीते 8 साल में 4,777 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी कि निशाना जो है वो नरेंद्र मोदी पर था। मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोगों भाग्यशाली हैं कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। वी ऑल आर वन टीम, और ये टीम के कप्तान हैं, इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि अपने जिम्मेवारियों को आप लोग निभाएं। लेकिन हाँ, इनकी पॉलिसी भी है, प्रिंसिपल भी है, नीतीश जी की प्रिंसिपल है, हमारी सरकार की भी प्रिंसिपल है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद CCC। वो CCC क्या है? क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। इसलिए इन सारी चीजों का हम लोगों को जो है ध्यान रखने की भी जरूरत है। और सही में हम आपको बताएं कि जितना काम बिहार में हो रहा है, केवल प्रचार नहीं हो रहा, काम हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन कहीं और केवल विनाश का काम किया जा रहा है और मार्केटिंग और प्रचार ऐसे किया जा रहा है जैसे देश हमारा कहां आगे बढ़ गया। हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति में देख लीजिए, GDP में देख लीजिए, देश जो है हमारा पिछड़ता जा रहा है। लेकिन हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन केवल एक आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए हम RTI से पता करवाए, केवल 6-7 साल में 4,777 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च किया गया। 4,777 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं, अगर लगभग 5,000 करोड़ रुपए अगर विज्ञापन में ना खर्च किया गया होता तो सोचिए कितने नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती। तो ये सारी चीजें हैं जिसका जिक्र हम सोचे कि यहाँ करना चाहिए, लेकिन आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, काफी लंबे देर से यहाँ बैठे हुए हैं, और आप लोगों का आगे का भी शायद कार्यक्रम है, जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली है, इसके बाद सभी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका ऐलान किया ही है, गांधी मैदान से, जो ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त के दिन, कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था बिहार सरकार जो है वो आने वाले समय में करेगा। तो हमें पूरा विश्वास है, जब से सरकार बनी है, अभी तो 4 महीने हुए, जब से बनी है लगातार नियुक्ति पत्र वितरण का सिलसिला चालू है, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन थोड़े आने वाले समय में जो सरकारी नौकरी की बात थी, जहां तक वो तुरंत आप लोगों के सामने एक अच्छी खबर आएगी, बिहार के लोगों के पास शुभ खुशखबरी आएगी, ताकि और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। और ज्यादा से ज्यादा वेकेंट सीट रहता है तो डिपार्टमेंट में काम धीरे होता है, वेकेंट पोस्ट अगर भर जाता है तो डिपार्टमेंट जो है स्ट्रेंथन हो जाता है, तेजी से काम करता है। तो हम सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए
और सभी लोग मिलकर के इस काम पर अपने अपने काम पे अपने अपने जिम्मेवारी पर ध्यान रखेंगे, बिहार प्राइड को जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे माननीय मंत्री वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया कि आपको क्या चुनना है, किस ओर जाना है, ये साफ जो है उन्होंने आप लोगों के सामने ये बात रखी है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सब लोग निर्णय तो ले ही लिए होंगे कि अपने जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएंगे, और जो ईमानदारी से नहीं निभाते उस पर तो निगरानी नजर रखती है, कार्रवाई तो हो ही जाती, कोई बचता थोड़ी ना, कोई अगर गलत काम करेगा तो वो बचता नहीं है, भले ही देर हो जाए लेकिन कार्रवाई जरूर होती है, पनिशमेंट उसको जरूर मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे हमने ट्रिपल सी का जिक्र पहले किया, क्राइम कम्युनिज्म और करप्शन, तो उसमें ये पहले ही आता है जो चीज़ हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे, गरीब वंचित शोषित पीड़ित जो कमज़ोर तबका है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जितने हमारे यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं अलग अलग विभागों के, उन सबको इस कार्यक्रम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।